हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक्सेल फार्मूला ट्यूटोरियल की इस क्लास में। आज की वीडियो में आपको मैं एक्सेल की ट्रिक्स और कुछ शॉर्टकट कीज बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक शीट तैयार की है जिसमें मैंने मंथ वाइज सेल अमाउंट्स लिखे हैं। अब मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे सेल में से एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस का रेशियो है वो है 20%, जो कि मैंने 27 में लिखा हुआ है। तो एक्सपेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले B5 में जाएंगे, इज इक्वल टू B4, एस्ट्रिक साइन लगाएंगे और उसके बाद B7 को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर इसने 1000 रुपये का 20% 200 रुपीज़ निकाल दिया है। अब यदि मैं इस फॉर्मूला को आगे कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर ये ज़ीरो आता है। इसने 1500 रुपये का 20% ज़ीरो निकाला है, जो कि गलत है। तो हम देखते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। तो इसलिए हम C5 में अपने कर्सर को रखेंगे और F2 की दबाकर देखेंगे। तो इसने यहाँ पर C4 × C7 करा है। C4 जो रेफरेंस लिया है इसने यहाँ पर, ये तो बिल्कुल ठीक लिया है, लेकिन जो C7 का रेफरेंस है, यहाँ पर C7 में हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर जो रिज़ल्ट आ रहा था वो ज़ीरो गलत आ रहा था। एक्चुअल में यहाँ पर C7 की जगह इसको B7 सिलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन जब हमने अपने फॉर्मूला को कॉपी करके आगे पेस्ट किया तो इसने रेफरेंस को भी आगे बढ़ा दिया। तो अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो 4 नंबर की रो है ये तो आगे बढ़ते रहे, लेकिन जो हमारा B7 में जो 20% एक्सपेंस का रेशियो लिखा हुआ है ये फिक्स हो जाए। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम B5 में जाएंगे, F2 की दबाएंगे और B7 को सिलेक्ट करके हम F4 की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम F4 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर B और 7 के आगे डॉलर का साइन लग जाएगा। डॉलर का साइन लग गया, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पर फ्रीज़ हो गई है। फ्रीज़ होने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम इस फॉर्मूला को आगे कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो जो B7 का रेफरेंस है वो बदलेगा नहीं। तो इस तरह से हम B7 को एब्सोल्यूट रेफरेंस बना सकते हैं, जो कि हमारी पहली ट्रिक थी। तो आप B7 को फ्रीज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो हमारा यहाँ पर जो पहली ट्रिक थी वो हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। अब इसके बाद बारी आती है राइट में फिल करने की। तो राइट में फिल करने के लिए हम चाहे तो इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं और आगे जाकर पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक शॉर्टकट की ये होती है कि हम सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया है और उसके बाद शिफ्ट दबाकर राइट में जहाँ तक हमें अपने इस फॉर्मूला को पेस्ट करना है वहाँ तक रेंज को सिलेक्ट कर लें और इसके बाद कंट्रोल आर दबाएं। तो कंट्रोल आर दबाने से भी हम अपने डेटा को राइट में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने राइट में फिल कर लिया है कंट्रोल आर दबा के। अब देखेंगे हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसके बाद हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए B4 - B5, और इसी तरह से इस फॉर्मूला को भी हमें आगे तक ले जाना है, इसलिए हम शिफ्ट दबा के इस तरह से रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मूला को आगे राइट में पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट फिल करने के लिए मैंने आपको बताया कि कंट्रोल आर हमें दबाना है। अब इसके बाद आता है डाउन फिल। डाउन फिल में आपको बाद में बताऊँगा, उसके पहले मैं आपको शॉर्टकट की ऑफ सब बताता हूँ। आने के 3 तरीके होते हैं। पहला, इज इक्वल टू लगा के आप SUM फंक्शन लिख के उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए जिस रेंज को आपको सम करना है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप वहाँ पर अपने कर्सर को रखिए जहाँ पर आपको सम चाहिए और उसके बाद होम टैब में ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। दूसरा तरीका और तीसरा और यूनिक वे जो आपको मैं इस वीडियो में सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आपको जहाँ भी सम लगाना है वहाँ पर उस सेल पर अपने कर्सर को रखिए और कीबोर्ड से ऑल्ट इज इक्वल टू का साइन दबाइए।
ऑल्ट और इजिकल टू एंड देन आप इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से भी हम अपने डेटा का सम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट कमांड है सम फंक्शन की, वो है ऑल्ट और इजिकल टू। अब इसके बाद बारी आती है आखिरी डाउन फिल करने की। तो डाउन फिल करने का तरीका यह होता है कि जिस भी डेटा को आपको डाउन में फिल करना है, उस डेटा से लेकर जहां तक आपको फिल करना है वहां तक रेंज को सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड पर कंट्रोल डी दबाइए। तो कंट्रोल डी दबाने से जो भी फॉर्मूला या जो भी डेटा आपको नीचे फिल करना है वो फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने इस वीडियो में शॉर्टकट की और एक्सेल की ट्रिक्स सिखाई है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए और मेरे बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।